पावन यहाँ पर बैठे हमारे पूर्वज पुरखा जो हमने यहाँ पर मंच बिठाए उनके सानिध्य में बैठे हुए तमाम भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज इस कुंभलगढ़ पर आप तमाम साथियों ने ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, पहली बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे साथी अभी बोल रहे थे, देश के मूल मालिक मूल बीज ये जल जंगल जमीन हमारा है। देश के मालिक हम कैसे हैं, जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, हम भारत देश के मूल वंशज के मूल बीज कैसे हैं, ये बात अगर यहां हम सबको पता चल जाएगी तो मालिक और किराएदार बाहर से आए हुए लोग कौन है और यहाँ के मूल बीज कौन है, इस बारे में आप पता लगा लोगे मेरे भाइयों। इसके लिए निशाने बताना चाहूंगा कि हम आज तमाम सुख सुविधाओं की जो साधन काम में ले रहे हैं, जैसे घर में काम में ले रहे हैं चम्मच, घर में काम में ले रहे हैं परात, घर में काम में ले रहे हैं एक घड़ा, स्टील का है पीतल का है, घर में काम में ले रहे हैं तगारी, थोड़ा सा विचार करो, जिस दिन हमारे इलाके में इस भारत देश के अंदर ये जो चम्मच है ये चम्मच नहीं बनी थी, उससे पहले हमारे बाप दादाओं के पास क्या चीज थी, क्या था? जोर से बोलो भाई, डोइलो। तो मेरे भाइयों आपसे मेरा सवाल है, चम्मच पहले आया कि डोइला पहले आया? डोइले को देख करके चम्मच बनाया या चम्मच को देख करके डोइला बनाया? तो फिर जिस दिन ये परात नहीं थी उस दिन पहले क्या था हमारे पास? कूड़ू, गुंडा, कसोटा, है ना? तो हमारे कसोटे को देख करके परात बनाई या परात को देख करके कसोटा बनाया? तो ये भिखारी ये किराएदार तो कहते हैं इन लोगों के अंदर अकल नहीं है, यूं क्या बोलते कि इन लोगों को अकल नहीं है यूं? अबे हराम करो, हमसे सीखे हो, देश के मालिकों से सीखे हो, चम्मच कैसे होती है, चम्मच क्या काम में आती है हमसे सीखे हो, परात क्या होती है, परात कैसे बनती है वो हमसे सीखे हो, पलंग पलंग कैसे बनता है, क्या काम में आता है हमसे सीखे हो। इस जंगल के अंदर कौन सी जड़ी बूटी, कौन से पेड़ पौधे का फल है, वो कौन सा खाने लायक है हमसे सीखे हो। इस जलवायु के अंदर इस वनस्पति में जो जो औषधियां है वो हमसे सीखे हो। और वो हरामखोर हमको कहते हैं आप तो नीचे हो, हम ऊपर हैं। अरे हम देश के मालिकों का कलेजा बड़ा था, कलेजा बड़ा था, आप हमारे यहाँ मेहमान आए, आपको हमने खाट पे बिठाया, पलंग पे बिठाया, हमने नीचे बैठ करके आपको सम्मान दिया, तो आप यूँ समझने लग गए हमको ऊपर बिठाया, मतलब हम दादागिरी वाले लोग हैं, यूँ समझ लिया आपने? अरे हम खाट पे बिठाना जानते हैं तो नीचे डालना भी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते मेरे भाइयों? अरे लंबा चौड़ा हमारा इलाका था, हमने सोचा चलो यहाँ बैठ जाओ, आपको झोपड़ी बनाने के लिए जगह दी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह दी, तो आपने थोड़ा सा पक्का बना दिया, पक्का बनाने के बाद थोड़ा सा चौड़ा किया, चौड़ा करने के बाद अपने रिश्तेदार को बुला करके पास में एक और बना लिया, एक और बना लिया, ऐसे कर करके आज हमारे इलाके के अंदर घुस गए और आज हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करना है हमको भाइयों, बिल्कुल नहीं करना है। हम देश
नागरिकत्व की पहचान पता होनी चाहिए। जब हमारे बाप दादा यहाँ थे, जब हमारे बाप दादा यहाँ आज पहले से रह रहे थे, उसके बाद में आप लोग आए हो, मतलब आपके पोथी पांडरू के अंदर गांव कहां से कहां तक है वो भी हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया। हमारे बाप दादाओं ने नोट करवाया और आपने नोट किया और आज कहते हो जो नोट करने वाले वो लोग हमको कहते हैं कि आपकी सीमा इधर है, उधर है, उधर है, इधर है। अरे इससे बड़ा भी हमारे बाप दादाओं का सीमाना सिस्टम है, हमारी कहां से कहां तक बाउंड्री है वो हमारा सिस्टम है। ये ऐसी तमाम प्रकार की जो सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ करके इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। लेकिन 5 जनवरी 2011 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, न्यायमूर्ति हमारे मार्किंड काजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, उन्होंने बोला कि देश का मूल बीज, मूल मालिक भील आदिवासी है, वो इस देश का मालिक है, भारत देश का मालिक है। अभी कुंभलगढ़ की बात कर रहे थे, कुंभलगढ़ की नहीं भाई, ये पूरा भारत जो इलाका है वो पूरा देश हमारे यहाँ है। संविधान के अंदर, कानून के अंदर सबसे ज्यादा हक अधिकार हमको दे रखे हैं। 5वीं अनुसूची के इलाके में ही आर्टिकल 13(3) का लागू होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासी रहता है अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर अपना कबीला है वहां पर आर्टिकल 13(3) का लागू होता है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वो वाला सिस्टम हमारा लागू होता है मेरे भाइयों। तो हम डरने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी न्याय व्यवस्था है, हमारी अपनी न्याय करने की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारे गांव का गड्ढा कमेटी करता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे गड्ढा कमेटी, हमारे यहाँ के जो न्याय करने वाले जो लोग हैं वो भागों में बट गए। किन किन भागों में बट गए? एक तो अपनी पहचान भुला करके सबसे ज्यादा बटे वो संगठनों में। किसमें बटे मेरे भाइयों? संगठनों में। संगठन भी बनाया तो किसका बनाया? हमारे अपने समुदाय के नाम पे बनाया, लेकिन उसका मुखिया तिलक तराजू तलवार वाला बन गया। समझ रहे हो भाई? तिलक तराजू तलवार वो बन गया। और उन्होंने, उनका जो सिस्टम था, उनके जो बाप दादा थे वो हमसे पूछवाए मेरे भाई, और हमने, हमारे अपने बाप दादा थे उन बाप दादाओं को कहीं ना कहीं भूल बस छोड़ दिया। तो हमको अगर वापस आना है तो हमारे अपने बाप दादाओं को वापस पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? इस इलाके के अंदर राणा पूजा भील कितने दमदार थे, तो उनके साथ में रहने वाले भी कितने दमदार होंगे, वो साथ में रहने वाले कौन कौन थे उनका भी पता करना होगा या नहीं करना होगा? अकेले राणा पूजा भील ने थोड़ी साथ दिया होगा, है? हमारे यहाँ के कितने बड़े बड़े कबीले थे, उन पूरे पूरे कबीलों ने उनका साथ दिया है, तब जाकर के राणा से महाराणा प्रताप बने। बने कि नहीं बने? कल मैं चित्तौड़गढ़ गया, चित्तौड़गढ़ के किले पर जाकर के देखा तो वहां पर उन्होंने वंशावली लिखी हुई थी, उस वंशावली में बप्पा रावण से लगा करके वंशावली लिखी थी। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा भाई वंशावली में ये हरामखोर ये क्यों भूल गए कि बप्पा रावण से भी पहले कौन था, उनका नाम, उनका वंशज का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लिख देते तो पतली पतली निकलने लग जाती इनकी, है ना? वहां पर लिखा हुआ था कि हमीरगढ़ का किला, वहां पर कुंभलगढ़ का किला, फलाना किला, ढेगड़ा किला, ये सारे लिखे हुए थे, ये उस सिंह ऐसे लिखे हुए थे। मैंने कहा शुरुआती दौर बताओ ना भाई, कोई आज
छठवीं शताब्दी लिख रहा है, कोई छठवीं शताब्दी लिख रहा है, तो छठवीं शताब्दी से पहले कौन थे वो बताइए, तब जाकर के हम मानेंगे इस देश का। ऊपर आप जो हरामखोरी पना कर रहे हो, पागलपन कर रहे हो, वो आप कितना मतलब गद्दारी के साथ भी कर रहे हो, कितने समझदारी के साथ भी कर रहे हो, वो तब जाकर के पता चलेगा। आज भी जहां पर देश का मालिक होता है, मालिकों को डराने के लिए खाकी वर्दी में वही काले अंग्रेज, गोले अंग्रेज, वो बाहर के किराएदार लोगों को यहां पर खड़ा कर देते हैं कि नहीं कर देते? आदिवासियों को कभी पुलिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती है क्या? आदिवासी आज दिन तक का इतिहास है, स्व अनुशासित है, और जब अनुशासन हिंता कर देता है, अनुशासन भंग कर देता है, तो फिर अच्छे अच्छे के फिर पसीने भी छुड़ा देता है, ये सबको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से बस ये भर भर के वो हमारे जहां पर छोटा सा चिंतन शिविर होता है वहां पर भी वो कर देता है। एक बार मैंने हमारे वहीं के जो हमारे प्रतापगढ़ में एसपी साहब से उनसे पूछा था, मैंने कहा साहब ये बात समझ में नहीं आती है कि जब जैसे अन्य लोगों के बड़े बड़ी सभाएं होती है, बड़े बड़े